पकवाने खास में बन रहा है क्या, बहुत स्पेशल चीज़, बहुत इजी लेकिन बहुत ही स्पेशल। और वो क्या है? वो है मोहब्बत का शरबत, लव ड्रिंक इसको मैं बोल रही हूँ। ये दिल्ली की एक फेमस दुकान है जहाँ पे मिलता है, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट है। मोहब्बत का शरबत इसलिए है क्योंकि इसमें रेड रेड कलर की चीज़ें जाती हैं, और हम मोस्टली रेड कलर को मोहब्बत से, लव से, मोस्टली हम रेड कलर को मोहब्बत का कलर कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, सच माने आप यकीन करें, जिस जिसको मैंने पिलाया ना वो कहता है मुझे एक गिलास और दे दो, ये बहुत अच्छा है। आप ये बनाएंगे ये हिट हो जाएगा आपका, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके नेबर्स, हर कोई आपसे बोलेगा ये हमें बना के पिलाओ या इसकी रेसिपी बताओ। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने ले लिए हैं इसमें 3 कप दूध, और ये तकरीबन 6 टेबलस्पून भर के है रूह अफ़ज़ा, तो इसको ले जाएंगे। बर्फ़ थोड़ी सी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी मैं और डालूंगी क्योंकि इसमें बर्फ़ का ज़्यादा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ठंडा होना चाहिए तो ही आपको मज़ा आएगा। एंड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ रोज़ वाटर। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। अगर आप चाहो तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, पर मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब ब्लेंड करने के बाद जो इसमें जाने वाला है वो है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? वो है ये रेड कलर का तरबूज। तो ये अब इसमें जाएगा, इसका सब चीज़ें रेड रेड पड़ रही हैं इसमें, इसलिए इसका नाम है मोहब्बत का शरबत। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 कप वाटरमेलन। सीड्स निकाल दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप सीड्स निकाल दें क्योंकि हम इसके टेस्ट को ख़राब नहीं करना चाहते। इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी। ये ग्लास ले लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ये आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। ठीक है, और अब साथ ये हम डाल देंगे हमारा मोहब्बत का शरबत, और साथ ही हमारा चाहे तो मैं ये डेकोरेशन के लिए एक ये लगा रही हूँ वाटरमेलन का पीस। आप चाहो तो चंक्स भी थोड़े बहुत छोटे छोटे काट के डाल सकते हो अगर चंक्स आपको पसंद है इसमें आना। और ये जो है ये हमारा मोहब्बत का शरबत तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल।